कहूंगा कि सोहना तावड़ू से लगातार दूसरी बार सत्तारूढ़ पार्टी का विधायक होने के बावजूद भी तावड़ू का कोई विकास नहीं हुआ, तावड़ू वासियों का कोई विकास नहीं हुआ। उनकी जो भी मांगे थी और जो भी कांग्रेस के सरकार में, चाहे वो बस स्टैंड हमने बना के दे दिया था उसको नहीं चलाया इन्होंने, सेक्टर विकसित कर रहे थे उनको सेक्टर को विकसित नहीं करा जो हुड्डा के तौर पे, और मिनी सेक्रेटरीट की बात कहें तो वो इनकी जो है आपसी खींचातानी के जो है वो चढ़ रहा है। अपनी जगह होने के बावजूद ये उसे 5 किलोमीटर दूर शहर से ले जाना चाहती है, जबकि मिनी सचिवालय का मकसद ये है एक जगह लोगों को उनके जो भी उनकी दिक्कत है उसका एक ही छत के नीचे उनका निवारण हो, लेकिन ये पहले ही उसका 5 किलोमीटर दूर शहर से ले जाएंगे। तो ये के चक्कर में ये सिर्फ अपनी जो भारतीय जनता पार्टी के और जो उनके जो वो हैं पदाधिकारी हैं अपनी जो है फायदा करने के लिए और अपनी उसके लिए फायदा करके जनता की कोई परवाह ना करके उसके जो है चलते ये करा जा रहा है। हमने इसकी बात पहले भी उठाई थी, विधानसभा में भी उठाएंगे और आगे चल के मुख्यमंत्री से भी बात करके इनकी जो ये घोर उपेक्षा चल रही है और जिस तरीके की राजनीति करके लोगों को बेवकूफ़ बनाने की चल रही है इसका करेंगे। और शहर में मिनी सचिवालय होना चाहिए, बस स्टैंड को बिल्कुल और सुचारू रूप से चलना चाहिए और जो सुविधाएं हैं वो भी नियमित तौर पे चलनी चाहिए। उपेक्षा का शिकार जो है तावड़ू को नहीं रखना चाहिए, जबकि सत्तारूढ़ का यहाँ से दूसरी बार विधायक